कंट्री, उसके अलावा चले हम इसी ये इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। नेम में हम डिफरेंट नाम्स लिख डिफरेंट नेम्स लिखते हैं, फॉर एग्जांपल ये मैंने कुछ लोगों के नाम लिख लिए यहाँ पे, उनकी ईमेल आईडीज कुछ भी आप लिख लें, 1@gmail.com, 2@gmail.com, ठीक है। मैंने नाम यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट किया या ड्रैग किया, जिन लोगों को नहीं समझ आई मैंने सिंपल क्या किया है, इन दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट किया, ये साइड पे बॉक्स है इसको मैंने ड्रैग किया नीचे की तरफ, तो ये आ गए हैं मेरे पास, ठीक है। फोन नंबर में आप कुछ भी लिख लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेलेक्ट करें, फोन नंबर्स, सिटी, ठीक है। इन्हीं सिटीज को मैं कॉपी करके पेस्ट किया मैंने, कंट्री आप डिफरेंट कंट्रीज लिख देते हैं यहाँ पे अपने केसेस के लिए। अहमद तुम इंडिया से हो? नो प्रॉब्लम। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ये कॉपी पेस्ट, और अहमद ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। ईमेल मैंने ऐसे ट्रैक किए कि चले मैं आप लोगों को दोबारा कर देता हूँ। ये देखें, इन दोनों बॉक्सेस को मैंने सेलेक्ट किया, ये देखें साइड पे बॉक्स आ रहा छोटा सा, इस पे जाएंगे तो प्लस का साइन आ जाएगा, इसको मैंने ड्रैग किया, ड्रॉप कर दिया नीचे की तरफ। क्लियर? अभी मैं इनको आप लोग कर रहे हैं, चले कर लेंगे। चलिए ये तो देख लें, फॉर्मूला समझ लें, उसके बाद प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। मेरा बॉस मुझे कहता है कि यार मैं तुम्हें लिस्ट भेज रहा हूँ कुछ लोगों की, फॉर एग्जांपल वो हसन हो सकता है, आमिना हो सकती हैं, ये तीन लोग हो सकते हैं। नहीं, सीरी, मुझे इन लोगों का ईमेल और सिटी चाहिए, तो आप लोग सिंपल क्या करेंगे, फॉर्मूला इज आप इज इक्वल टू इंडेक्स, जूम करो थोड़ा सा, चलो जूम कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, आप लोग फॉर्मूला लिखेंगे इज इक्वल टू इंडेक्स, इंडेक्स में आपने उस चीज को इंडेक्स करना है जो इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे लेके आनी है। फॉर एग्जांपल आपने इस कॉलम में ईमेल लेके आने हैं, तो आपने ईमेल को इंडेक्स करना है, अपनी मास्टर शीट पे जाना है, आपने ईमेल के कॉलम को इंडेक्स करना है,
सर्च बार में गए, कॉमा लगाया आपने, यहां मैच आपने लिखना है, मैच का फंक्शन है ये, मैच आपने लिखा। शीट टू में गए, आपने किस नेम को मैच करना है, आपने हसन को मैच करना है। अब सारे नाम जहां पे सब नेम्स की लिस्ट पड़ी हुई है उसके साथ मैच करना है आपने हसन को। अब दोबारा मास्टर शीट में जाएंगे, कॉमा लगा के आपने नेम के कॉलम को सिलेक्ट किया, इज इक्वल टू, अब आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं डिफरेंट, लेस देन, एग्जैक्ट मैच, ग्रेटर देन, तो आपने एग्जैक्ट मैच को सिलेक्ट करना है क्योंकि नाम एग्जैक्ट मैच होता है, ठीक है। इज इक्वल टू जीरो आप लिखेंगे यहाँ पे, एंटर, ईमेल आईडी इसका आ गया, देखें, ठीक है। इसको आप ड्रैग करेंगे इस तरह से, तो हर उस बंदे का ईमेल आईडी यहाँ पे आ जाएगा जो वहां पे अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल आमिना है, आमिना का ईमेल आईडी 2@gmail.com, हम मैच कर लेते हैं इसको, आमिना इज 2@gmail.com, ठीक है। अगर आप सिटी की बात करते हैं, सिटी पे अगेन फार्मूला लगा के दिखा रहा हूं आप लोगों को, इज इक्वल टू, इंडेक्स करना है आपने इसको, सिटी को इंडेक्स करना है आपने, कमा लगाना है, मैच मैच करवाना है आपने हसन के सिटी को विद द लिस्ट ऑफ नेम्स, और आपने जीरो लिखना है एग्जैक्ट मैच के लिए, या आपके पास सिटी आ जाएगा। जी उसके साथ भी ठीक रहता है, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हो, नाम तो जी नाम डिफरेंट भी हो सकते हैं, बिल्कुल नाम बहुत सारे लोगों के सेम भी हो सकते हैं। अगर सीरियल नंबर आपके पास रोल नंबर होता है तो फिर रोल नंबर के थ्रू होता है, अगर आपके पास रोल नंबर नहीं है तो फिर आप नेम के थ्रू कर लेते हो, लेकिन ज्यादा अच्छा प्रोसेस आपने सही किया कि रोल नंबर के थ्रू है, क्योंकि रोल नंबर हर बंदे का यूनिक होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चले हम उनकी बात को देख लेते हैं, वो कह रहे हैं कि रोल नंबर अलॉट कर दें इनको हम, तो हमें एक्स्ट्रा हमने कॉलम बनाया है यहाँ पे, रोल नंबर फॉर एग्जाम्पल 12, 13, इसको ट्रैक कर लेते हैं, रोल नंबर आ गया हमारे पास सबके। अब आपकी हेडमिस्ट्रेस या कोई भी आपका बॉस कहता है कि यार ये जो रोल नंबर 14 से लेके 18 तक के लोग हैं इनका मुझे नाम चाहिए, आप लोग क्या करेंगे, सिंपल इनके नाम को कॉपी करेंगे, इज इक्वल टू इंडेक्स, आपने किसको करना है इंडेक्स, नेम को, क्योंकि अब आपको नाम चाहिए ना, इज कॉमा लगाया, मैच, रोल नंबर को किया आपने किसके साथ, विद द लिस्ट ऑफ रोल नंबर्स, कॉमा जीरो, या बस तुम सब लोगों के नाम आ गए। आप इसमें रिजल्ट शीट ही बना सकते हैं कि आप रोल नंबर लिखे उस बंदे की सारी डिटेल आपके पास आ जाएगी, आप बंदे का नाम लिखेंगे या उसका रोल नंबर लिखेंगे उसकी सारी डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल हसन, यहां से मैं इसको रेज करके यहां पे मैं 21 लिखता हूं तो 21 वाले रोल नंबर का नाम मेरे सामने शो हो जाएगा, ये देखें। अगर मैं इसको रिमूव करके 15 लिखता हूं तो 15 वाले रोल नंबर का नाम मेरे सामने शो हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड मैच एंड इंडेक्स कम्बो, बहुत इफेक्टिव टूल है, ऑनलाइन रिसर्च में बहुत ज्यादा यूज होता है, क्लाइंट बहुत ज्यादा यूज करवाते हैं इसको। आप अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज की रिजल्ट शीट्स पूरी पूरी तैयार कर सकते हैं इसमें, क्या बच्चे का नाम लिखे उसकी पूरी डिटेल आपके पास आ जाए। नहीं समझ आई अभी भी, चले हम इसको एक और सिनेरियो में कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इन सबको रिमूव कर देता हूं, मुझे यहाँ पे श्वेत की डिटेल चाहिए आगे, सिटी और मैं यहां पे शोएब लिखूं तो मेरे पास लिस्ट आ जानी चाहिए पूरी, ठीक है। क्यों नहीं आ रही अभी, यहां शोएब का स्पेलिंग गलत है, SHOIAB लिखे हैं मैंने, तो स्पेलिंग वही लिखता हूं, OIAB, नहीं क्या स्पेलिंग लिखे हैं, अगर मैं यही नाम कॉपी करता हूं ये देखें, ठीक है। अगर मैं यहां पे नाम चेंज करता हूं, हसन लिखता हूं, तो हसन की सारी डिटेल मेरे पास आ जाएगी विदाउट फॉर्मूला के। ये इसका एरर पता है इसलिए आ रहा है, ये केस सेंसिटिव नहीं होता। केस सेंसिटिव का पता क्या होता है, केस सेंसिटिव मीन कैपिटल और स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में ये डिफरेंशिएट नहीं करता, सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि मैंने वहां पे नाम के बाद एक स्पेस दी है, ये देखिए
स्पेस को फिनिश करें, हर नाम के बाहर एक स्पेस है। अगर यहां मैं हारिस लिखता हूं तो हारिस की डिटेल मेरे सामने आ रही है सारी। तो अब आपको आइडिया होंगे कि आप इस पे रिजल्ट शीट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास डिफरेंट लोगों के मार्क्स होंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, वो आपने कॉल करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे हारिस लिखूं, यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स होंगे, फॉर एग्जांपल फिजिक्स, इसी तरह आप सब रोल्स पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे बच्चे का नाम चेंज करेंगे, उसकी सारी डिटेल वहां पे आ जाएगी। आइडिया होगा कुछ? Yes. चले आप लोग जरा एक शीट तो क्रिएट करें अपने पास, यहाँ पे एक रिजल्ट शीट क्रिएट करने की कोशिश करें विद द नेम ऑफ 10 और 15 बॉयज या गर्ल्स। इस फॉर्मूले के थ्रू आप रिजल्ट को कॉल करना है आपने कि रिजल्ट आए यूजर्स का।